हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अपना चैनल टेक्निकल अप्रोच, जो कि हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं कि आपके पास कोई भी एम्पलीफायर हो जो कि ऑडियो प्रॉब्लम अगर आता हो तो आप उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जो कि इसमें 5200 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, आप इसको ट्रांजिस्टर भी बोल सकते हैं, मॉस्फेट भी बोल सकते हैं। जो कि एक पीस यहाँ लगा हुआ है, एक पीस यहाँ लगा हुआ है। अगर ये दोनों में कोई एक भी ट्रांजिस्टर अगर आपका ख़राब हो जाता है तो हो जाने के बाद आपका ऑडियो यानी कि कम देने लगेगा, यानी कि आधा देगा, आवाज़ भी आपका ख़राब आएगा। दोनों ख़राब हो जाने के कारण आपका कुछ भी आवाज़ नहीं देगा। तो अगर आपका दोनों ट्रांजिस्टर आपका ख़राब हो जाता है तो ट्रांजिस्टर लगा देने के बाद तार आपको नहीं जोड़ना है, इसलिए कि बेस पिन का अगर तार आप जोड़ देते हैं तो जैसे आप लाइन देते हैं, अगर बेस पिन में वोल्टेज अगर किसी भी फॉल्ट के कारण, जैसे कि आपका स्कीट में अगर फॉल्ट रहेगा, तो फिर आपका 5200 ट्रांजिस्टर जो होता है वो फिर आपका 1 से 2 मिनट में, जैसे आप लाइन दीजिएगा, 1 से 2 मिनट में आपका फिर ट्रांजिस्टर जल जाएगा। तो आपको करना क्या है, बेस पिन का तार, जैसे कि इसका बेस पिन ये होता है ट्रांजिस्टर का, जैसे कि दूसरा ट्रांजिस्टर में हम आपको दिखाने वाले हैं, जो कि बेस पिन आप देख सकते हैं कि बेस पिन जो है ये होता है, इसका बेस पिन, ये बेस पिन होता है, जो कि ये बेस पिन है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो आपको करना क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव को जोड़ देना है, नेगेटिव पॉजिटिव जोड़ सकते हैं। जब तक बेस पिन में बेस वोल्टेज नहीं दीजिएगा तो आपका ऑडियो नहीं देगा। तो आपको करना क्या है, ट्रांजिस्टर चेंज करने के बाद बेस पिन का तार नहीं लगाना है, बेस पिन में पहले वोल्टेज चेक कर लेना है। अगर आपका वोल्टेज बेस पिन में सही आता हो तो फिर आप जोड़ के आप इसका ऑडियो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अगर बेस पिन में वोल्टेज अधिक आता हो, जैसे कि अगर आपका 12 वोल्ट आता हो, ये अगर ट्रांजिस्टर आपका ख़राब हो जाए, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ 30-55 ट्रांजिस्टर होता है, बहुत नंबर का ट्रांजिस्टर होता है, फिलहाल इसमें 30-55 लगा हुआ है। 30-55 अगर ट्रांजिस्टर हो तो आप इसको खोल के अगर चेक करते हैं तो अगर ख़राब पाया गया तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, जो कि 30-55 ही आप इसमें डाल सकते हैं, दूसरा भी डाल सकते हैं, मगर जो ट्रांजिस्टर होता है वही ट्रांजिस्टर अगर आप डालते हैं तो फिर सही होता है। तो अगर ट्रांजिस्टर ख़राब नहीं हो तो कभी कभी होता क्या है, जो कि यहाँ 100 ओम का रेजिस्टेंस होता है, दो पीस, दो ट्रांजिस्टर में बेस पिन में वोल्टेज कम करने के लिए दो पीस, दो ट्रांजिस्टर में 100 ओम का रेजिस्टेंस होता है। जो कि कभी कभी होता क्या है, ये भी ट्रांजिस्टर सही रहता है, ये भी ट्रांजिस्टर सही रहता है, रेजिस्टेंस जो है 5200 ट्रांजिस्टर अगर ख़राब होता है, 5200 ट्रांजिस्टर अगर ख़राब होता है तो ख़राब के कारण 100 ओम का रेजिस्टेंस जल जाता है। तो आपको करना क्या है, बेस पिन में वोल्टेज देने से पहले आपका वोल्टेज बेस पिन में नाप लेना है, जो कि बेस पिन में वोल्टेज 1 से 1.5 वोल्ट काफ़ी होता है। तो कभी कभी होता क्या है कि आप ट्रांजिस्टर तो चेंज कर दिए 5200, मगर बेस पिन में वोल्टेज नहीं नापते हैं। वोल्टेज अगर बेस पिन में नहीं नापिएगा, जैसे ही आप लगाते हैं लाइन पर, जैसे ही आवाज़ दिएगा, थोड़ा सा आवाज़ दिया और फिर आवाज़ बैठ गया, तो इस तरह का फॉल्ट आता है इस किट में खराबी के कारण, जो कि इस किट से बेस पिन में अगर वोल्टेज ज़्यादा जाता है, जैसे कि अगर
ये ट्रांजिस्टर जैसे कि ये ट्रांजिस्टर जो आप देख रहे हैं 30-55, ये अगर डायरेक्ट हो जाएगा तो जितना वोल्टेज इन करेगा उतना ही वोल्टेज आउट करेगा। फिलहाल इस एम्पलीफायर में प्रॉब्लम जो है नटिया के आवाज़ दे रहा था, जो कि हम इसको बना चुके हैं, इसका प्रॉब्लम हम आपको दिखा रहे हैं जो कि क्या खराबी था। तो कभी कभी होता क्या है जो कि यहाँ एक 18-15 ट्रांजिस्टर होता है, ख़राब हो जाने के कारण भी आपका ऑडियो प्रॉब्लम आ सकता है। और फिलहाल इसका जो है नटिया के जो आवाज़ दे रहा था, तो यहाँ 2 पीस 18-15 ट्रांजिस्टर है, जो कि इसमें से 1 पीस ये वाला ख़राब था, जिसके कारण ऑडियो सही नहीं दे रहा था, नटिया के आवाज़ दे रहा था। तो हम ये ट्रांजिस्टर चेंज कर चुके हैं, जो कि इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं जो कि कभी अगर आपके पास इस तरह का फॉल्ट आए जो कि नटिया के आवाज़ दे रहा है, तो आप ये ट्रांजिस्टर चेंज करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ एक प्रीसेट लगा हुआ है ट्रांसफार्मर के बगल में ही, ये भी अगर प्रीसेट ख़राब हो जाए तो भी नटिया के आवाज़ देगा। एम्पलीफायर कोई भी एम्पलीफायर हो, किसी में 4K7 भी पीरी लगा हुआ रहता है, जैसे कि पहले वाला 30-55 RFP 30-55 ट्रांजिस्टर वाला में, जो कि उसका 4K7 रहता है, 10K भी पीरी सेट रहता है, तो वो भी उसमें भी खराबी, अगर ये पीरी सेट ख़राब होने के कारण इसमें भी नटिया के आवाज़ देगा। आपका नटिया के आवाज़ दे रहा है, मगर आप प्रॉब्लम कहीं और खोज रहे हैं, मगर प्रॉब्लम आपका जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं 1K का पीरी लगा हुआ है, जो कि 1K का पीरी सेट लगा हुआ है, 1K ही आप डाल सकते हैं इसमें, 10K भी डाल सकते हैं, मगर थोड़ा सा कम बेस घुमाना पड़ेगा इसको, यानी कि ऑडियो को मिला के इसको फिक्स किया जाता है, जो कि फ़िलहाल हम इसका ऑडियो प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। आइए अब हम इसको बजा के दिखाते हैं, जो कि ये पहले तो नटिया के आवाज़ दे रहा था, अब कितना सॉलिड आवाज़ दे रहा है। आइए दिखाते हैं हम इसको बजा के। सहावनी ये अपना भाई देखो ठन काल भी निकले कपारो। जितना प्रेम आप दूसरे से करते हैं, उतना प्रेम आप अपनी भाई भाई से भी रखिए। परिवार में भाई भाई में सुमति बना करके रखिए। कवि कहते हैं कि दीपक संग जलती है जब उसमें तेल हो, रंग लाती है मोहब्बत जब आपस में मेल हो। मोहब्बत एक ऐसी खजाना है जो कभी कम नहीं होता, जिसके पास यह दौलत है उसे कभी गम नहीं। देख सकते हैं कि इसका ऑडियो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर चुके हैं, जो कि हम तो बता चुके हैं कि पहले ही कि इसका नटिया के आवाज़ दे रहा था, तो इसका 18-15 ट्रांजिस्टर जो होता है वो हम चेंज कर चुके हैं, जो कि इसका बीमारी सॉल्व हो चुका है। अगर आपके पास कभी भी इस तरह का फॉल्ट आए, तो आप ये ट्रांजिस्टर चेंज करने के बाद आपका ऑडियो प्रॉब्लम जो कि नटिया के अगर आवाज़ देता है दे रहा था, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। पीरी सेट भी ख़राब होने के कारण नटिया के आपका आवाज़ देगा, तो आप पीरी भी चेंज करके देख लेना है आपको कि कहीं पीरी तो ख़राब नहीं है। ऐसे भी इसको खोल के मीटर से भी आप अगर चेक करते हैं, तो भी जो है आपको पता चल जाएगा कि ये ख़राब था या नहीं था। तो अगर आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।